नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आपका फिर से स्वागत करता हूँ सुर संगम में। दोस्तों आज हम सीखेंगे राग भैरवी या थाट भैरवी का एक लहरा, और इसकी जो ताल है वो तीन ताल। तीन ताल आप जानते हैं, 16 मात्रा, चार चार मात्रा के चार विभाग, और इसका जो टेम्पो है 60 और 60 के आसपास हमको रखना है जब हम संगत करेंगे। बाकी प्रैक्टिस के हिसाब से आप इसका जो चाहें ले रखें, आपकी मर्जी है। और थाट भैरवी की हम बात करें तो आप जानते हैं राग भैरवी में रे गा धानी जो चारों कोमल सुर हैं उनका यूज होता है, बाकी सारे के सारे सुर हैं वो शुद्ध होते हैं। तो मैं सी शार्प स्केल से यानी मध्य सप्तक की पहली काली से बात कर रहा हूँ। तो सा रे कोमल, गा कोमल, मा पा, धा कोमल, नी कोमल और सा। सा नी धा पा मा गा रे सा, मंद्र सप्तक में आऊंगा तो भी नी धा नी सा रे गा मा पा धा नी सा अधिकतर लहराज की शुरुआत है वो तार सप्तक के सा से होती है यानी यहाँ से होती है, लेकिन इस लहरा की शुरुआत है वो मध्य सप्तक के सा से हम लोग कर रहे हैं। पहले तीन बार सा है फिर सागा है, तो देखिएगा मैं आपको 60 और 60 के आसपास के टेम्पो में आपको बताता हूँ तो आपको फिर हम नोटेशन समझेंगे। तो तीन बार सा है, सा 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 गा पा 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 गा दा दा मा गा सा रे गा पा मा गा सा नी धा नी सा 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 गा पा 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 गा दा दा मा गा सा रे गा पा मा गा सा नी प्रैक्टिस करने के हिसाब से, अपनी फिंगर्स को मूव करने के हिसाब से और आनंद लेने के हिसाब से आप किसी भी टेम्पो पर यानी किसी भी लय में आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके आप देखिएगा, सा 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 गा पा 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 गा दा दा मा गा सा रे गा पा मा गा सा नी धा नी सा। इस प्रकार से आप जितना अधिकतम स्पीड कर सकते हैं करिएगा, लेकिन जब आप संगत करने की बात आती है, जब आप इसको बजाएंगे तो 60 और 60 के आसपास का आपका टेम्पो होना चाहिए। चलिए दोस्तों, तो अब हम समझते हैं इसका नोटेशन कि एग्जैक्टली इसका नोटेशन क्या हुआ है, क्या है। तो वही अपना पैटर्न मैं यहाँ पर लिखता हूँ। सबसे पहले लहरा और तीन ताल और भैरवी और टेम्पो मैं लिखता हूँ 60 जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। हम क्या करते हैं, 16 मात्रा है, चार चार के विभाग से हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। शुरुआत में मैंने कहा सा 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 फिर सागा, ये स्मॉल गा का मतलब गा कोमल है, ठीक है। तो ये जो सागा है वो एक मात्रा पर है, सा 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 सागा, पा पा दो बार, फिर पागा धाधा, पागा एक मात्रा पर, धाधा एक मात्रा पर, धा कोमल गा कोमल, पा जो है शुद्ध रहता ही है पागा, ठीक है। मैं इसको हिंदी में भी यहाँ लिख देता हूँ, सा 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 सागा, फिर उसके बाद में पा पा पागा धाधा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब ये जो है सा है वो मध्य सप्तक का ही है, अगर तार सप्तक का होता मैं ऊपर लगा देता, अगर मंद्र सप्तक का होता तो मैं नीचे डॉट लगा देता, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद में हम आते हैं धा से, हम आ जाएंगे माँ पर। तो माँ हमारा शुद्ध है, उसको मैं स्मॉल एम से दिखा रहा हूँ, माँ गा सा, और फिर यहाँ पर है रेगा पामा, ये रेगा पामा एक मात्रा पर है,
माँ शुद्ध है, गा कोमल है, सा मध्य सप्तक का है, रेगा पामा, और फिर हम यहाँ से बढ़ते हैं तो गा सा, फिर नी धानी। तो नी है वो कोमल है, स्मॉल से समझ में आ रहा है, और मैं नीचे डॉट लगा देता हूँ, इट मीन्स ये मंद्र सप्तक का है। धा कोमल है, स्मॉल से समझ में आ रहा है, नीचे डॉट लगा देता हूँ तो आप समझ जाएंगे कि ये मंद्र सप्तक का है। ये दोनों एक मात्रा पर हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मा गा सा रेगा पामा, ठीक है। फिर ये गा कोमल, यहाँ पर भी गा कोमल है, ये यहाँ पर भी गा कोमल है, यहाँ पर भी गा कोमल है, धा कोमल है, ठीक है। तो फिर उसके बाद में सा, फिर ये नी, नी कोमल और मंद्र सप्तक का, धा कोमल, नी कोमल, और दोनों मंद्र सप्तक के, देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये गा कोमल, सा माँ शुद्ध है, सा सागा, पापा पागा, धाधा, ठीक है, बराबर है। तो आप इसको देखेंगे तो ये हमारा सम हो जाएगा, यहाँ से शुरुआत है, यहाँ पर हमारी दूसरी ताली, यहाँ पर खाली, यहाँ पर तीसरी ताली। मात्रा अगर गिन करके आप करना चाहें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। तो आप इसको अगर गिनती के हिसाब से भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी शायद जरूरत नहीं पड़ती है। आप सुर बोलें, सा 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 सागा पा पा पागा धाधा मा गा सा, और रेगा पामा एक मात्रा पर है, धानी लास्ट में एक मात्रा पर है, धाधा एक मात्रा पर है, पागा एक मात्रा पर है, सागा एक मात्रा पर है। ये शायद आपको समझ में आया होगा, आपको दिख भी रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, आप इसको देख लीजिएगा और उतार लीजिएगा। और चलिए दोस्तों, अब हम इसका और अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, समझ में आ जाएगा। सा सा सा, तीन बार, फिर सागा, सागा एक मात्रा पर, सागा, फिर पा दो बार, पा पा, फिर पागा एक मात्रा, पा पा पागा पागा, ये एक मात्रा पर, फिर धाधा एक मात्रा पर, धा पागा धाधा मा, धाधा एक मात्रा पर, मा गा सा, मा एक मात्रा पर, गा एक मात्रा पर, सा मा गा सा, और फिर रेगा पामा एक मात्रा है, रेगा पामा रेगा पामा रेगा पामा, गा सा नी धानी, धानी एक मात्रा पर, धानी सा। तो देखिए, सा 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 गा पा 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 गा धा धा मा गा सा रे गा पा मा गा सा नी धानी सा 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 गा पा 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 गा धा धा मा गा सा रे गा पा मा गा सा नी। का इसका एक लाजवाब अंदाज है, थाट या राग भैरवी के अंदर कोई भजन सॉन्ग अगर आप प्ले करते हैं, वहां पर बीच में आप इसको एज ए मिड म्यूजिक के रूप में यूज कर सकते हैं, संगत कर सकते हैं, क्योंकि थाट भैरवी के अंदर जितनी भी रचनाएं होती हैं वो एक तो बहुत ज्यादा मिलती हैं और लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस लहरा को जरूर, आसान सा है, जरूर तैयार करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। चैनल अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।